दिनक दिन राज्य में वृद्धि पाइबार लगी साइबर अपराध। साधारण वेबसाइट सह सरकारी वेबसाइट को भी अपराधी माने टार्गेट करुछन्ति। लोकंक ठारु लुटी नेउछन्ति लक्ष लक्ष टंका। एथिरे रोक लगेबाक हेले जनजागरण सह पुलिस दक्षता विकास जरूरी बोली साइबर सुरक्षा सचेतनता सप्ताह में मत प्रकाश पाइछि। दिनक दिन ऑनलाइन कारोबार वृद्धि पाउछि। यार सुजोग नहीं साइबर अपराधी भी अधिक सक्रिय हो पड़े। बड़ बड़ कंपानी वेबसाइट सह सरकारी वेबसाइट हैक कर सरकार को अकल में पकड़ लगुंट आते बड़े हड़प कर लक्ष लक्ष टंका। केवल 2019 रे ओडिशा सरकार 60 वेबसाइट हैक होता। तेज व्यवहारकारी सचेतनता अभाव साइबर अपराधी माने अधिक सक्रिय होती। रोक लगवा आरंभ हो सचेतनता एवं सरकारी वेबसाइट गुड़िक ऑडिट करा ट्रिपल आईटी को यही दायित्व दि जाए। नियमित ऑडिट हेले आउ हैक हेबो नाही बोली मुख्य शासन सचिव कहते। सरकारी क्षेत्र में आम टेक्नोलोजी बहुत यूज करुचु। स्टेट गवर्नमेंट ओडिशा गवर्नमेंट गोटे पायनियर आमर निजर डेटा सेन्टर अच्छी। आम गुड़ाए एप्लीकेशन्स आम टेक्नोलॉजी मध्यम लोक मानू गवर्नेंस बेनिफिट प्रदान करुचु। तेणु साइबर वल्नरेबिलिटी आमर को मेंटेन साइबर वल्नरेबिलिटी रु रक्षा करने साइबर सिक्योरिटी रो जो भाया सब टूल्स अच्छी आम यूज करवा दरकार। Falling prey to these obscene videos and all that. So I think it is more than anything just lack of understanding, lack of the knowledge as to how these things can be misused by those who are not having good intentions. देशरे साइबर अपराध मामला 150% वृद्धि पाई। 2016-17 317 मामला रुजु होता। 2018-19 अधिक मामला रुजु होता। किंतु पुलिस को से भली किछि आखि दृश्य सफलता मिली नथिला। एपटे क्राइम ब्रांच आईजी कहते मामलार तदंत प्रत्येक थाना तदंतकारी अधिकारी दक्षता वृद्धिपाई कार्यक्रम हाथ को नि एथिसह जनसाधारण सचेतनता सृष्टि पदक्षेप नि वर्चुअल वर्ल्ड जो क्राइम अच्छी एटा गोटे नुआ टाइप ऑफ क्राइम तेणुक कैपेसिटी बिल्डिंग आवश्यक रही। क्राइम ब्रांच निजर कैपेसिटी बिल्डिंग सहित पूरा राज्य रे समस्ते पुलिस ऑफिसर मानंकर कैपेसिटी बिल्डिंग करने पदक्षेप ने। वर्तमान राज्य में 4 साइबर थाना थिबा बेले आहुरी 4 थाना तयारी करने को योजना थिला ताहा ए जाय कार्यकारी होइ नथिबा बेले लोके केउठी अभिजोग करिवे ताहा मध्य जानि पारु नाहंती। भुवनेश्वर रु कैमरा पर्सन रवींद्र को सह नीरज पटनायक रिपोर्ट न्यूज 7।